बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और तीन लोकसभा सीटें मुरैना, ग्वालियर और खंडवा की उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर उतारे गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा में मध्य प्रदेश की इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर ऐलान। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर प्रत्याशियों के नाम भी आपको बताएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों ने किन नामों पर नाम घोषित किए, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकी बची सीटों पर भी ऐलान कर दिए हैं नाम। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर नाम घोषित किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की और प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक ग्वालियर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रवीण पाठक को ग्वालियर लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि खंडवा और मुरैना सीट पर भी नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। मुरैना से सत्यपाल सिंह को टिकट दिया गया है, ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और लगातार इस पर नजर हमारी, आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और खंडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बाकी बची जो तीन सीटें थी उन पर भी नाम घोषित कर दिए गए हैं। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार उम्मीदवार बनाए गए, ग्वालियर से प्रवीण पाठक उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तीन सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है और इन तीन सीटों पर नामों की घोषणा होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की यहां पर क्या स्थिति रहेगी, हालांकि अब यह देखना होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगे अब से लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए। नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है, जबकि अब खंडवा से नरेंद्र पटेल और ग्वालियर से, मुरैना से कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अपनी इन सीटों पर, लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर ऐलान कर दिया गया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार, सत्यपाल सिंह सिकवार को मुरैना से भरोसा जताकर उतारा गया है और ग्वालियर से प्रवीण पाठक को उतारा गया है और खंडवा से नरेंद्र पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, इस वक्त की बड़ी खबर। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तीन सीटें जिसमें मुरैना, तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक उम्मीदवार बनाए गए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफी समय यहां पर लगा और ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो तीन लोकसभा सीटें जिस पर कि कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि सीटों पर कैंडिडेट को उतारा जाए, लेकिन अब जाकर इस पर पत्ते खोले हैं कांग्रेस पार्टी ने। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीट पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी आखिर किसे यहां से उम्मीदवार बनाती है। और आपको बता दें कि ग्वालियर से प्रवीण पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल इससे पहले जो चर्चा चल रही थी नाम की, भरत सिंह कुशवाहा प्रवीण पाठक के सामने होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, काफी इंतजार के बाद आखिरकार जारी कर दिए गए नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तीन नाम खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट पर। देखिए बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 लगातार इन नामों को बता रहा था कि ये में से ही नाम फाइनल होने, और न्यूज 18 के जो सूत्र थे उसके मोहर जो अंतिम मोहर है वो उनके नामों पर ही लगी है। देखिए सतपाल सिंह सिकरवार को पार्टी ने मुरैना से अपना प्रत्याशी बनाया। सतपाल सिंह सिकरवार एक बार विधायक रह चुके हैं सुमावली से, हालांकि वो बीजेपी से विधायक रहे थे। 2020 में उनके बड़े भाई है वो जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, और उसके बाद वो कांग्रेस में लगातार सक्रिय तरह से काम कर रहे थे और उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। हालांकि दो तीन नामों पर लगातार चर्चा चल रही थी कि पंकज उपाध्याय या फिर सतपाल सिंह सिकरवार, क्योंकि जातिगत समीकरण साधने को लेकर बड़ी संशय की स्थिति कांग्रेस के सामने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी एक जो है ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, लेकिन सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के तरह ही कांग्रेस ने भी वहां पर एक क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर बात ग्वालियर की करें तो प्रवीण पाठक और रामसेवक सिंह गुर्जर के बीच ये पेच पसा था कि दो में से कौन प्रत्याशी ज्यादा प्रभावी होगा। देखिए चूंकि बीजेपी ने वहां पर पहले से ही ओबीसी चेहरे यानी भारत सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में संभावना ये थी कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी ना करा के किसी सामान्य चेहरे को टिकट दिया जाएगा। देखिए मैं बता दूं, रामसेवक बाबूजी जो है वो सांसद रह चुके हैं। अगर बात प्रवीण पाठक की बात करूं तो प्रवीण पाठक जो है वो कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे और 2018 में वह विधायक बने थे। ये बात सही है कि 2023 का वो विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उस इलाके के माने जाते हैं, काफी युवा चेहरे हैं और युवा चेहरे पर एक बार जो है वो पार्टी ने दाव खेला है, चाहे वो सतपाल सिंह सिकरवार के तौर पर हो या पर वो प्रवीण पाठक के तौर पर। तीसरा नाम जो है खंडवा, खंडवा से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि अरुण यादव को पार्टी चाहती है, अरुण यादव चुनाव लड़े, लेकिन अरुण यादव पहले ही तय कर चुके थे कि वह गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें गुना से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खंडवा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, और यही कारण है कि तमाम जो नाम है उनको लेकर लगातार मंथन चल रहा था, चाहे वह सुरेंद्र सिंह सेरा हो या फिर नरेंद्र सिंह के नाम जो नाम सामने आया उनके नाम को लेकर भी तमाम तरह के मंथन थे। अब उन जो चर्चाएं हैं उन पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया और तीनों प्रत्याशी जो है अब वो घोषित कर दिए गए। और इस चर्चा के दौरान प्रवीण पाठक का नाम चर्चा में था ही, ग्वालियर से सुशील के पास चलेंगे। सुशील, लगभग तय था प्रवीण पाठक का नाम और अब उस पर मोहर भी लग गई है। बिल्कुल सही बात। देखिए प्रवीण पाठक के अगर बारे में बात करें तो 2018 में वो यहाँ से विधायक बने थे ग्वालियर साउथ सीट पर। उन्होंने तीन बार के एमएलए और कद्दावर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को हराया था, हालांकि 2023 में बहुत ही नज़दीकी मुकाबला वो करीब 2300 वोटों से हार गए थे नारायण सिंह से। लेकिन जो प्रवीण पाठक की शैली है उस शैली के चलते उनका नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि एक प्रवीण पाठक ही अकेले ऐसे दावेदार थे ग्वालियर में कि जो बुलंद तरीके से कांग्रेस के लिए दावेदार थे और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने की एक अच्छी परिस्थितियां बना सकते थे। हालांकि रामसेवक सिंह गुर्जर का भी नाम चल रहा था जो पहले सांसद थे, लेकिन उनके साथ कई परिस्थितियां भी थी, कैश फॉर नोट कांड में भी वो आरोपी बने थे उस दौरान। तो निश्चित तौर पर प्रवीण पाठक का सबसे बड़ा दावा था और कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी, युवा चेहरा है, 40 साल से कम उम्र के है, और यही वजह है कि कांग्रेस में जिस तरह की चर्चाएं थी कि प्रवीण पाठक यहाँ से सबसे बड़े दावेदार है, तो आज टिकटों की घोषणा होने के बाद ये साफ हो गया कि भारत सिंह कुशवाहा के सामने प्रवीण पाठक ही चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बताया कि भारत सिंह कुशवाहा के तौर पर एक ओबीसी चेहरा ग्वालियर में उतारा है, चूँकि वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव वो भी आ रहे हैं। तो भारत सिंह के उम्मीदवार बनने के बाद ये तय हो गया था कि कांग्रेस जो है ग्वालियर की जो महत्वपूर्ण सीट है उससे किसी जनरल चेहरे को उतारेगी थी। ऐसे में दावेदार प्रवीण पाठक और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ही थे, लेकिन प्रवीण पाठक सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार थे, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की भी फौज है, दूसरा चुनाव लड़ने का अनुभव है, तीसरा ये है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर भी होते रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर प्रवीण पाठक के आने के बाद अब ये जो मुकाबला है ग्वालियर सीट पर ये जातिगत आंकड़ों में भी उलझेगा। दोनों ही पार्टियां भले ही विचारधारा के आधार पर लड़े, लेकिन इस चुनाव में जातिगत आधार पर भी वोटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर अब दोनों जो प्रत्याशी है, बीजेपी के भारत सिंह हो या कांग्रेस के प्रवीण पाठक, दोनों युवा चेहरे हैं और दोनों 2023 का विधानसभा चुनाव हारे हैं। तो अब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा और महीने भर से ज़्यादा प्रचार का समय बिता चुके हैं भारत सिंह, और आज प्रवीण पाठक का नाम की घोषणा होने के बाद अभियान शुरू होगा। तो अब धीरे धीरे चुनाव का जो अभियान है वो और तेज होगा प्रचार का, स्वाभाविक है। शैलेंद्र के पास चलते हैं, शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक तरफ भारत सिंह कुशवाहा
एक जातिगत जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर साधने का प्रयास किया, दूसरी तरफ प्रवीण पाठक ग्वालियर लोकसभा सीट पर हैं। उतना प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ सकता है, क्या जातिगत वाला जो फैक्टर है अभी भी काम कर रहा है उतना जितना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी रणनीतिकार सोच रहे हैं इस वक्त इन तीन उम्मीदवारों के नाम में अगर ढूंढा जाए तो? बिल्कुल आशीष, देखिए क्या कुछ जातिकरण समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बड़ा लंबा मंथन चला, उसके बाद जो नाम लगातार चर्चा में थे उन्हीं पर मंथन हुआ, उन्हीं पर अंतिम मोहर लगी। क्या जातिगत समीकरण साधे गए हैं, किस तरीके से पूरा? देखिए, बड़ी ऊर्जा वहां के सभी लोगों में थी, नए नेतृत्व वहां थे, नए लोगों के अंदर ऊर्जा थी, और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी की टिकट को लेके था, कहीं ना कहीं लोगों को एक लग रहा है कि पूरी श्योर शॉट की कांग्रेस पार्टी की। तो एक मंथन करा गया, चिंतन करा गया, और सभी सामाजिक समीकरणों को साधते हुए, नौजवान टीम को साधते हुए, नौजवानों को साथ लेते हुए टिकट दिया गया। और स्पष्ट है कि आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट आएंगे, बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि मंथन खूब हुआ है, सभी लोगों के अंदर बेहतर ऊर्जा थी, सभी वहां पे जो प्रत्याशी बनने के योग्य लोग थे, लोगों के अंदर जितना उत्साह था, जितनी ऊर्जा थी और जितनी उनकी क्षमताएं थी, तो सभी लोग 19-20 थे, तो सब लोगों को बिठा के मंथन किया गया। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने नौजवानों को पार्टी में टिकट देने का काम किया, नौजवानों को अधिकार देने का काम किया। आज ये नौजवान बड़े चेहरे चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, क्या इसी वजह से नौजवानों को इतना मौका मिल रहा है? बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि कई बड़े दिग्गज नेता थे, शायद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए युवाओं को मौका मिला? नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर इतना मंथन हुआ होगा तो कितने दिग्गज भी लड़ना चाहते होंगे, कितने लोग भी लड़ना चाहते, क्योंकि उत्साह है, ऊर्जा है, और लोग देख रहे हैं कि जनता उनसे सवाल पूछे कि जो गारंटियां देके गए थे गेहूं की, उस पर इन्होंने खरे नहीं उतरे, 3,000 रुपए महिलाओं को देके गए थे उसके खरे नहीं उतरे, लाडली बहनाओं को मकान, तो जो इन्होंने वादे करे थे 2023 में वो बिल्कुल पूरे नहीं हुआ। जनता के अंदर उत्साह है, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है कि जो कहती है वो करती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उत्साह के मारे, और यही एक तरीका है कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहेगा, युवाओं की ऊर्जा रहेगी, और इस कॉम्बिनेशन और ये हो सकता है कि यहाँ पर एक राजनीतिक मजबूरी भी शैलेंद्र हो जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि शोभा ओझा का एक पत्र आया, उससे पहले कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिए थे। अमित के पास चलेंगे इस वक्त, मुरैना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति नजर आ रही है, आखिरकार नाम घोषित कर ही दिया गया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि बीजेपी ने एक महीने पहले ही अपने उम्मीदवार का चयन कर दिया था, यानी कि बीजेपी ने सिमंगल सिंह तोमर को पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का लोगों को लंबे समय से इंतजार था, यानी कि आज वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों ही छत्री समाज से प्रत्याशी हैं, तो एक अब अन्य समाज के लिए अब वोट डालने के लिए बड़ा ही मंथन करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने मंथन किया था उसके बाद अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, अब इसी तरीके से वोटर भी एक तरीके से सोच करके समझ करके वोट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि पहले सिमंगल सिंह तोमर थे बीजेपी के प्रत्याशी, और अब कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं सतपाल सिंह सिकरवार, यानी कि जो 2020 में उपचुनाव हुआ था जब इन्हें बीजेपी ने निष्कासित किया था, उसके बाद में कांग्रेस का दामन थामा था सतपाल सिंह सिकरवार ने, और अब लोकसभा जो मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट है उससे कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से जो सतीश सिकरवार जो ग्वालियर से विधायक हैं उनके ये भाई हैं, और ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार उनके, यानी कि ये उनकी भाभी हैं सतपाल सिंह सिकरवार की, तो सबसे बड़ा फायदा ये भी इनको मिलेगा क्योंकि कांग्रेस में इनका परिवार जुड़ा हुआ है। हालांकि इनके पिताजी जो गजराज सिंह सिकरवार हुआ करते थे पूर्व विधायक, वो बीजेपी में लंबे समय से टिके हुए थे, लेकिन 2020 में जिस तरीके से इन्हें बीजेपी के द्वारा निष्कासित किया गया था उसी तभी से नाराज चल रहे थे, और अब कुछ ही दिन पहले यानी कि कांग्रेस के जब राहुल गांधी की यहाँ यात्रा थी उसी दौरान कांग्रेस का दामन थामा था, और अब देखने में आ रहा है जिस तरीके से जो कांग्रेस ने सूची जारी की है तो मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट्स हैं, और इससे पहले कई बार चर्चा ये भी हो रही थी कुछ और चेहरे भी संभव थे यहाँ पर उतारे जाने के, उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन शैलेंद्र लगातार जिस बारे में जिक्र कर रहे थे वो समीकरण न सिर्फ साधा गया बल्कि उसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समक्ष पूरी टक्कर दे करके मैदान में डटे रहना होगा, बने रहना होगा। ग्वालियर चलते, ग्वालियर सीट की अगर बात करें सुशील, तो कई
बड़े फैक्टर्स यहां पर हैं, चाहे वो राजघराने का फैक्टर हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर हो, या फिर पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तक चुनाव प्रबंधन में लगे रहे नरेंद्र तोमर का फैक्टर हो, बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी कितना चुनौतीपूर्ण है, जो उम्मीदवार उन्होंने यहां से चुना है, क्या वो सभी परिस्थितियों पर खरा उतरते अब तक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेसों में अटकल का दौर था कि प्रवीण पाठक सबसे ज़्यादा दमदार उम्मीदवार है और लोग भी उनकी डिमांड कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर भी लगातार उनकी मांग थी और जनता का भी जब रुख हम भापते थे तो उन जनता का भी यही कहना था कि अगर भारत सिंह कुशवाहा के सामने, बीजेपी के सामने कोई टक्कर दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो वो एकमात्र चेहरा प्रवीण पाठक। तो उसी तारतम्य में जो है प्रवीण पाठक को टिकट मिला है। और परिस्थितियों की अगर बात करें तो ग्वालियर लोकसभा सीट में जो अभी 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 6 सीटें ग्वालियर की है, उसके अलावा 2 सीटें शिवपुरी जिले की, इन 8 सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 4 सीटों पर कांग्रेस का है। यानी अगर सीटों के लिहाज से देखें, एमएलए के लिहाज से देखें, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 4-4 एमएलए कांग्रेस और बीजेपी के पास है, यानी 50-50 की स्थिति है। और पुराना अगर रिकॉर्ड देखें तो इसके पहले जो पिछला चुनाव हुआ था अशोक सिंह मोदी लहर में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से ग्वालियर से हारे थे, लेकिन उसके पहले के अगर 4 चुनाव अगर देखें 2007 से लेकर